विदेश भर में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। तहसील कार्यालय की अजीब हालत। बाबू काशीराम पचौली ने कार्यालय की पोल खोल दी है। बताया है कि मुझे ऑफिस का काम करने के लिए स्टेशनरी नहीं दी जा रही है, इसलिए लोगों से पैसा लेकर स्टेशनरी लाता हूँ। इस संबंध में मैंने तहसीलदार साहब को कई बार लिखित में दे चुका हूँ, लेकिन आज तक मेरी कार्यवाही नहीं सुनी गई है। बता दें कि ओमकारेश्वर तहसील ठप्पा कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष राधेश्याम चचारिया किसानों के साथ ही ऑफिस पहुंचे और तहसीलदारों के समक्ष बापू की करतूत उजागर की, और बाबू काशीराम पंचोली ने किसानों को 300 रुपये वापस लौटाए और कहा कि मुझे कार्यालय से कोई भी स्टेशनरी नहीं मिली है, कागज शाही और कलम मुझे खरीद कर लाना पड़ता है, मैं मेरी तनख्वाह में थोड़ी लाऊंगा। मैंने कई बार तहसील साहब को लिखित में दे दिया है स्टेशनरी का, लेकिन आज तक मुझे नहीं मिली है। हमारे फाइलें आई थी, वो लॉकडाउन के हिसाब से फाइल हमारी अटक गई थी, हाँ बोले लॉकडाउन है अभी, तो केस खारिज कर दिया गया मेरा। तो मैंने उसकी नकल निकालने के लिए आया था बाबू के पास, तो बाबू जी बोले कि भैया 500 रुपये लगेंगे, 500 से कम मैं किसी से लेता नहीं हूँ। उनका सर ऐसे कोई प्रावधान हो जितने आपको लगते उतने दे दूँगा। तो साहब बोले कि नहीं भैया ये लगते तो हिसाब से कुछ नहीं, लेकिन मेरे को 500 रुपये लगते हैं। फिर मैंने कहा भैया मैं ग्राम समिति किसान संघ का सदस्य हूँ, तो कहीं किसी को फ़ोन लगाना हो तो लगा लो। मैंने फिर चाचा जी को लगाया फ़ोन, इनसे बात होने के बाद भी बोले 350 तो अब भी लगे। तो फिर मैंने इनको बोला, बोले पैसे लगे, उनके चाचा जी 350 रुपये लिए। तो आज फिर साथ में आए, उन्होंने बाबू जी से बात करी और मेरे को पैसे वापस दिलवाए। पैसा दिया या शिकायत मिल रही थी बार बार कि यहाँ पे बाबू के द्वारा अनलीगल टाइप से पेमेंट लिया जाता है, जो कि किसी प्रकार का यहाँ पे तहसील में पेमेंट नहीं लगता है। तो हमारे भगवान भाई हैं यहाँ पे मथेला गांव के, उनसे करीबन 350 रुपये की राशि यहाँ पे ली गई थी। तो अभी साहब लोगों के पास में मैं आया, भारतीय किसान संघ राधेश्याम चाचरिया जिला अध्यक्ष, उनसे मुलाकात हुई, तो उनसे फिर कहना पड़ा उनका कि भैया मेरी गलती हो गई, मैं मेरी गलती को स्वीकार करता हूँ और ये सामने वाले का पेमेंट वापस कर दिया और आइंदा के लिए ये शिकायत नहीं मिलेगी। तो हमारे द्वारा एक मांग रखी गई कि यहाँ पर एक लिखित में लिखा जाए कि यहाँ पे किसी प्रकार का पेमेंट नहीं लगता है। किस बाबू ने लिए यहाँ टप्पा कार्यालय ओंकारेश्वर में नकल देने का कोई नियम नहीं प्रावधान है। नकल देने का प्रावधान लोक सेवा जो ऑफिस है उनासा या तहसील कार्यालय से ही दिया जा सकता है। यहाँ इस प्रकार से गलत तरीके से पैसे लिए तो बिल्कुल उसमें हम कार्रवाई करेंगे और संबंधित बाबू को शोकार नोटिस जारी करेंगे।